आप सब यह तो जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं सब सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, पर क्या आपने सोचा है ये घूमते क्यों है? अगर घूमते भी हैं तो सबकी रोटेशनल स्पीड अलग अलग क्यों है? सोचिए। आज के वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अजब गजब स्टोरी को। जब कोई तारा बनता है तो अपने चारों तरफ धूल और गैस की एक डस्ट डिस्क बना लेता है। तारे के गुरुत्वीय कक्षा की वजह से यह डिस्क उसके चारों ओर घूमने लगती है। इस डिस्क के बीच अगर किसी पिंड का निर्माण होता है तो जाहिर है वह भी डिस्क के साथ ही घूमेगा। डिस्क में विस्फोट या पिंड के छिटक कर अलग होने के बाद भी पिंड का रोटेशनल बरकरार रहता है। यही नहीं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से उसकी स्पीड और तेज हो जाती है, क्योंकि ग्रेविटी चारों तरफ से समान रूप में उसे अपनी ओर खींचता है। यह पिंड आखिरकार एक ठोस ग्रह का रूप ले लेता है। यह तब तक उसी गति में घूमता है जब तक कोई बाहरी बाधा ना आए। इसीलिए जितने भी ग्रह हैं जैसे मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, पर इनकी स्पीड अलग अलग क्यों है? आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा। हर ग्रह के चक्कर काटने की स्पीड अलग अलग होती है। सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह बुध की गति काफी धीमी होती है। ग्रहों को की रोटेशनल स्पीड इस बात पर भी निर्भर करती है किस ग्रह का निर्माण कितनी तेजी से हुआ है। वह डस्ट डिस्क से जितनी तेजी से अलग हुआ होगा उसकी गति उतनी ही तेज होगी। एक अन्य कारण यह भी है, जो ग्रह उल्का पिंड से जितना ज़्यादा टकराया होगा उसकी गति उतनी कम होती गई होगी। इसीलिए ग्रहों की रोटेशनल स्पीड अलग अलग है। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलें।